31 अक्टूबर सन 1875 को जन्मे सरदार पटेल के नाम से प्रख्यात वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खेड़ा और बारदोली के किसानों के सविनय अवज्ञा के नेतृत्व से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति उपरांत 560 से अधिक देसी रियासतों के भारत में एकीकरण, विभाजन उपरांत देश में शांति बनाए रखने, संविधान सभा और अखिल भारतीय सिविल व पुलिस सेवा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उन्हें लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल सच्चे अर्थों में नवीन भारत के निर्माता और राष्ट्रीय एकता के शिल्पी थे। प्रस्तुत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय में संकलित विभिन्न विषयों पर उनके ध्वनियांकित अंश। सुनते हैं राष्ट्रीय एकता और शांति पर उनके उद्गार। हमारे मुल्क में भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली। उस हालत में एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती, वो कहना मुश्किल है। उसी समय पर पंजाब का टुकड़ा होने के बाद, या तो भारत का टुकड़ा होने के बाद, जो मुसीबत हमारे सामने आई उसमें क्या क्या कठिनाइयों में पसार होना पड़ा आप सब जानते हैं। लेकिन अब आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके, और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा ही पेचीदा मामला देसी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली, और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजा वो थे, उसमें से बहुतों ने काफ़ी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी, इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर, जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है, उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी।